हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना है बैंक रिकन्सिलिएशन और साथ ही साथ बैंक क्रिएशन में एक बार फिर से हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो अगर हम लोग बात करें SAP में, तो SAP में सबसे पहले तो हाउस बैंक क्रिएशन करना है हमें, ताकि आप लोग फ्रेशली समझें कि हाउस बैंक पहले तो क्रिएट कैसे करते हैं, हाउस बैंक का मतलब क्या होता है। पहले तो मैं आपको हाउस बैंक का मतलब बता दूँ। कोई भी कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, जो भी बैंक अकाउंट से करती है, हम लोग SAP के अंदर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस बैंक। अब हम लोग बात करेंगे बैंक कैसे क्रिएट करेंगे, ये तो अनदर थिंग है। बैंक क्रिएट करने के बाद फिर ट्रांजेक्शन्स होंगे, ट्रांजेक्शन्स के बाद हमें ये भी सीखना है कि बैंक रिकन्सिलेशन प्रोसेस क्या हो। तो बैंक रिकन्सिलेशन प्रोसेस करने से पहले आज हमको पहले बैंक क्रिएशन सीखना है। अच्छा, SAP के अंदर बैंक क्रिएशन के अंतर्गत क्या होता है, तीन प्रोसेस हमें करना होता है। सबसे पहले तो हमें बैंक ही क्रिएट करना होता है। सेकेंड नंबर, हमें तीन बैंक के लेजर्स बनाने पड़ते हैं। तीन लेजर्स क्यों बनाने पड़ते हैं, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। यानी पर्टिकुलर एक बैंक के लिए, मान लीजिए मेरा HDFC बैंक अकाउंट है, तो HDFC बैंक के लिए मुझे तीन लेजर्स हम लोग बनाते हैं SAP के अंदर। वो क्यों बनाते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। नाउ थर्ड थिंग होता है क्रिएट अ हाउस बैंक। अब फिर हम लास्ट प्रोसेस होता है हमारा हाउस बैंक क्रिएट करने का। तो चलिए जरा समझते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है बैंक की क्यों क्रिएट करते हैं। बैंक की इसलिए क्रिएट करते हैं, इट इज नीड टू क्रिएट फॉर द मेंशन द कंप्लीट डिटेल ऑफ योर बैंक अकाउंट। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बैंकिंग में हम बेसिकली अपनी कंपनी के इंट्रोडक्शन या कंपनी के बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ओके, जो कि हम लोग लेजर में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम बैंक की क्रिएट करते समय उसको इन्फॉर्म करते हैं। तो देखिए बैंक की कैसे क्रिएट करते हैं SAP में। यहाँ पे सिंपल सा हम लोग दबाएंगे FI, ओके, 01, FI 01, ये हमारा टी कोड है, ओके। FI 01 में करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए बैंक कंट्री है, तो इंडिया हो गया। फिर हम लोग बैंक की किस नाम से बना रहे हैं, तो जैसे मैंने एक कोड बनाया HDFC 36, तो हम लोग HDFC 36 के नाम पे हम ये कोड बनाना चाहते हैं। तो ये कोड आपको खुद से देना होगा। तो जैसा कि मेरा HDFC बैंक का अकाउंट नंबर स्टार्टिंग होता है 36 से, इसीलिए हमने 36 से किया है ना। अब हम लोग यहाँ पे बैंक नेम है, बैंक नेम में यहाँ पे लिख दिया HDFC, ओके, HDFC बैंक, HDFC जो हमारा, ये हमारा मेन बैंक अकाउंट है, ओके, या HDFC बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, मेन क्या जरूरत है लिखने की, ओके। रीजन कहाँ पे है, रीजन दैट मीन्स 24, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश, ओके। आप लोग F4 करके यहाँ से लिस्ट से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना रीजन आप, जैसा कि मैंने इंडिया ले रखा है, तो इसलिए मैंने रीजन में 24 लिया उत्तर प्रदेश के लिए। आपका जो होगा आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रीट जस्ट लाइक मैं देता हूँ, क्या शाही मार्केट, ओके, सिटी गोरखपुर, बैंक ब्रांच, ओके, गोलघर, ओके, स्विफ्ट कोड, अगर स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड सब लोगों को पता है इंटरनेशनल, अगर आपको दूसरी कंट्री से अकाउंट में से पैसे मंगाने, तो आपको अपने बैंक का स्विफ्ट कोड देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर और भी डिटेल्स अगर आपको मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे एड्रेस का बटन यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग और भी डिटेल्स मेंटेन कर सकते हो, ओके। सो डिटेल्स के लिए यहाँ पे है, और भी मैक्सिमम डिटेल्स आप दे सकते हैं। सो कुछ नहीं करना है फिलहाल, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, हमें नहीं भरना है, यहाँ तक इतनी डिटेल काफ़ी है हमारे लिए। इसको फिर हम सेव करेंगे। जब हम लोग सेव करेंगे, ये आपका बैंक ही क्रिएट हो जाएगा। बैंक की HDFC 36 वॉज क्रिएटेड। सो हमने जो यहाँ पे डिज़ाइन किया था, मतलब जो हमने कोड लिया था, उससे हमने बैंक ही क्रिएट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे थ्री बैंक लेजर्स हमें बनाने हैं। तो थ्री बैंक लेजर्स बनाने, बैंक लेजर बनाने के लिए आपको सभी को पता है FS00। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं /NFS00, ओके। अभी यहाँ पे हमें बैंक का कोड बनाना है, जस्ट लाइक हम लोग को 36120 है हमारा, 36120 पे हमें HDFC बैंक अकाउंट हमें तैयार करना है, मेन बैंक अकाउंट जिसमें हमारा सारा पैसा आएगा जाएगा। अब देखो तीन लेजर क्यों बनाते हैं, जैसे कि मैं बोला था अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इसमें तीन लेजर इसलिए बनाते हैं, मेन अकाउंट होता है, दिस इज योर बैंक, लिखा भी है दिस इज द बैंक ऑफ द कंपनी विच शोज कंपनी बैंक बैलेंस, ठीक है, जो आपकी कंपनी का बैंक बैलेंस बताएगा एज पर स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या है, HDFC आउटगोइंग एंड
इनकमिंग, ये दो लेजर्स हम लोग इसलिए बनाते हैं, यू कैन से डमी लेजर्स। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग किसी को ही पेमेंट करते हैं तो हम लोग आउटगोइंग से पेमेंट करेंगे, जस्ट लाइक दिस इज द दिस बैंक इज क्रिएटेड फॉर वेंडर और एक्सपेंसेस पेमेंट। जब भी हम पेमेंट करेंगे तो आउटगोइंग से ही निकालेंगे पैसा, जब भी कहीं से चेक आ रहा होगा तो हम उसको क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक दिस बैंक इज क्रिएटेड फॉर कस्टमर और इनकम रिसिप्ट। कोई भी रिसिप्ट होगी हम इनकमिंग मिलेंगे, हम जो भी पैसा आ रहा है जो भी पैसा जा रहा है इन दो अकाउंट से हम लोग मैनेज करेंगे, हम सीधे मेन अकाउंट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। मेन अकाउंट तब रिफ्लेक्ट होगा जब स्टेटमेंट में वो चीज़ हमें शो होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है, नाउ इट इज नीड टू अंडरस्टैंड दैट वाई वी क्रिएट थ्री लेजर्स फॉर अ पर्टिकुलर हाउस बैंक। ऑल द मनी व्हेन रिसिप्ट वी रिकॉर्ड इन इनकमिंग बैंक अकाउंट, जितना भी रिसिप्ट होगा हम इनकमिंग मिलेंगे, एंड ऑल द मनी व्हेन वी पेड देन इट विल गॉन फ्रॉम आउटगोइंग अकाउंट, जस्ट लाइक दिस। हमने वेंडर को पेमेंट किया 5000, पेड टू वेंडर, वेंडर डेबिट टू आउटगोइंग बैंक 5000, और 6500 सपोज करो रिसिप्ट हुआ है कस्टमर से, तो किसमें हम लेंगे, इनकमिंग बैंक में आएगा पैसा फ्रॉम द कस्टमर टू कस्टमर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें मेरे बैंक अकाउंट में, मेन बैंक अकाउंट में कितना होना चाहिए, 6500 आ रहा है, अगर 5000 जा रहा है तो उस हिसाब से तो 1500 बैलेंस बचा। अब देखिए यहाँ पे, नाउ वी विल चेक बैंक बैंक स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ। इफ वेंडर पेमेंट इज क्लियर, जो हमने वेंडर को पेमेंट किया था वो क्लियर हो गया फ्रॉम द बैंक, देन वी रिकनसाइल एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मेन अकाउंट, तब जाके हम रिफ्लेक्ट करेंगे अपने मेन अकाउंट को। तो देखिए अब हम जब रिफ्लेक्ट करेंगे मेन अकाउंट को, तो इन मेन अकाउंट से पैसा जाना चाहिए, तो टू मेन अकाउंट, और जो आउटगोइंग से गया था उसको डेबिट करके क्लोज कर दिया, और मेन रिफ्लेक्शन किस पे आ गया, मेन अकाउंट से। सेम एज इफ कस्टमर रिसिप्ट इज क्रिएटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, हमारे स्टेटमेंट में हमारा दिखा रहा है 6500 आया था, जो हमने इनकमिंग में फिलहाल दिखा रखा था वो पैसा मेन अकाउंट में आ चुका है, देन वी रिफ्लेक्ट इट इन आवर मेन बैंक अकाउंट, मीन्स रिकनसाइल कर देंगे हम, ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब हम रिकनसाइल कर रहे हैं, तो मेन अकाउंट में पैसा आ गया और इनकमिंग से पैसा क्रिएट करके खत्म कर देंगे, मेन अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट कर लेगा। आफ्टर दीज एंट्रीज योर मेन अकाउंट मेन बैंक अकाउंट बैलेंस विल 1500 एंड दिस इज रिकनसाइल विद योर बैंक बैलेंस एज पर योर स्टेटमेंट। इसीलिए हम लोग तीन अकाउंट्स बनाते हैं, तो इसको आपको समझना होगा। चलिए हम लोग तीन अकाउंट्स बनाते हैं, सबसे पहले HDFC मेन बैंक अकाउंट हम बनाते हैं, तो 36120, और इसको भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कीज का यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक 36 हम लोग टैम्पलेट यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक मेरे पास टैम्पलेट है 26120, ओके उसी नाम है लगभग, अच्छा सॉरी कंपनी कोड 1000। और देखिए टैम्पलेट सेम आ गया, बस हम लोग यहाँ पे अपना मेन बैंक अकाउंट हम लोग डाल देते हैं मेन बैंक अकाउंट, ओके बाकी सब कुछ सही है। हमने टैम्पलेट यूज़ किया ध्यान रहे लेज़र क्रिएट करने के लिए, वी आर यूजिंग टैम्पलेट, और कीवर्ड्स में मैंने डाल दिया यहाँ पे इंग्लिश डच आ गया, इट्स इंग्लिश एंड इट्स दी, ओके देन सेव, हमें कुछ नहीं करना है, देन जस्ट सेव, ओके सेव्ड। नाउ सेकंड इज 21, अगेन वी आर यूजिंग टेम्पलेट 36120 को ले लेते हैं इस बार, उसके सेव स्पेस को बना लेते हैं, all the things are same, just change the bank account name, HDFC outgoing account, okay then save, last one 22, again use template, okay now this is for incoming account, paste over here then save,
मैंने तीन लेजर्स बना लिए बड़े ही क्विकली थ्रू टेम्पलेट्स। और अगर आप लेजर क्रिएशन सीखना है तो इस लेजर क्रिएशन का भी वीडियो ऑलरेडी है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल हमने तीनों लेजर्स बना लिए। अब तीन लेजर्स बनाए ना, तो मैंने उसमें एक और चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे मैंने इसको HDFC बैंक अकाउंट मेन अकाउंट का हमेशा लास्ट डिजिट मैं 0 रखता हूँ, और हमें आउटगोइंग के अकाउंट को 1 रखना है और इनकमिंग अकाउंट में लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए। तो ये 012 सीरीज में होना चाहिए। ये 012 सीरीज में क्यों होना चाहिए? क्योंकि आगे हम लोग अभी देखेंगे जो हमारी जो SAP में जो कॉन्फ़िगरेशन की जाती है वो 012 के फॉर्म में की जाती है सारा कॉन्फ़िगरेशन, ताकि हमें रिकन्सिलेशन में कोई इशू ना, कोई दिक्कत ना। तो इसीलिए ट्राई करिएगा आप लोग जब भी लेजर्स बनाइए तीनों का, तो आपको 0 मेन अकाउंट में रखना है, 1 आउटगोइंग में रखना है और 2 इनकमिंग में रखना है। ओके सो अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो कंप्लीट हो गया। नाउ क्रिएट हाउस बैंक। अब हम हाउस बैंक अब क्रिएट कर सकते हैं। हमने दो चीज़ें बना ली, हमने बैंक ही बना ली, हमने तीनों लेजर्स बना लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें हाउस बैंक क्रिएट करना है। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोसेस, FI12 फॉर हाउस बैंक। अब देखिए यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे, आपको न्यू एंट्री करती है HDFC। अभी ये हाउस बैंक कह रहा है, तो हाउस बैंक का भी मैंने देखिए पहले से डिजाइन कर रखा है कोड, तो HDF 36 5 डिजिट ही लेता है। अभी आप बैंक कंट्री IN इंडिया की है। नाउ बैंक की पूछ रहा है, तो बैंक की हम लोग को पहले ही याद है, बैंक की हमने पहले से बना रखा है किस नंबर से, HDFC 36। तो वही चीज़ हमें बस यहाँ पे क्या करना है, पिक करना है HDFC 36। ओके एंड देन क्रिएट। आफ्टर क्रिएटिंग आप देखो एड्रेस एड्रेस में आप चढ़ गए यहाँ पे, यानी कि हम जो ये हाउस बैंक बना रहे हैं इसको हमने अपने बैंक ही से कनेक्ट कर दिया। तो देख रहे होगे आप लोग कि हाउस बैंक बनाते समय हमें सबसे पहले बैंक ही कनेक्ट करना पड़ता है, सेकेंड नंबर पे मेन अकाउंट कनेक्ट करना होता है। तो चलिए पहले तो हमने हाउस बैंक को कनेक्ट कर दिया बैंक ही से। इसके बाद सेकेंड नंबर पे देखिए क्या करना है। इसके बाद बैंक से की से कनेक्ट करने के बाद सेकेंड प्रोसेस जो है, सेकेंड प्रोसेस जो है आप लोग का वो है इस बैंक अकाउंट पे डबल क्लिक करना, और फिर इसके बाद आपको अगेन न्यू एंट्रीज पे जाना है। और यहाँ पे अकाउंट आईडी भी हम सेम रखते हैं, HDFC HDF 36। ओके डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख सकते हैं HDFC मेन अकाउंट, HDFC मेन अकाउंट कर लेता हूँ मैं। अकाउंट नंबर अगर आपको मेंशन करना है, अकाउंट नंबर मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। अकाउंट नंबर हमारा था, सपोज करो दिस वन इज आवर अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आगे मैं लिख देता हूँ 91175। ओके तो दिस इज सपोज माई अकाउंट नंबर। ओके नाउ नेक्स्ट, देन अल्टरनेटिव बैंक अकाउंट, नो नो नीड, करेंसी यस यूरो, सपोज इंडिया में मैं यूरो बैंक अकाउंट खुलवा रहा हूँ। नो आई हैव टू कनेक्ट विद माई GL अकाउंट, तो GL अकाउंट कौन सा रहेगा सब लोगों को पता है। नाउ कीवर्ड जस्ट दीप माई HDFC मेन अकाउंट इज 36, 12 इज मेन बैंक अकाउंट। मेन बैंक अकाउंट को कनेक्ट कर दिया, आउटगोइंग इनकमिंग को नहीं करना है, क्योंकि यही मेन अकाउंट है हमारा जिसमें बैंक, बाकी वो दोनों तो डमी है। सो हमने इससे कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद इसको सेव कर लीजिए। देन यहाँ पे रिक्वेस्ट मांग रहा है, मैंने ओन रिक्वेस्ट दे दिया। चलिए नाउ डिड आई सेव, नाउ दिस इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ बैंक। तो आपने देखा हम लोगों ने क्या क्या प्रोसेस किया हाउस बैंक क्रिएशन में, बैंक ही क्रिएट किया, ठीक है, बैंक के लेजर्स तैयार किए, तीन लेजर्स हमें बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? देन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लास्ट में हाउस बैंक क्रिएट किया। और जब हम लोग हाउस बैंक बनाते हैं, ठीक है, सॉरी, हाउस बैंक जब बनाते हैं तो हाउस बैंक में हमें सबसे पहले तो हमें कनेक्ट करना होता है हाउस बैंक को अपने बैंक ही से, सेकेंड नंबर पे अपने मेन बैंक अकाउंट से।
ये हमने कर दिया, सॉरी यहाँ पे हमारा 36 था, ओके। तो ये दो चीजें हमने कनेक्ट कर दी। अब क्या है, बैंक रिकंसिलेशन प्रोसेस है। नाउ व्हाट इज बैंक रिकंसिलेशन? बैंक रिकंसिलेशन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहली चीज होती है, एट फर्स्ट मेक सम पेमेंट एंट्री एंड रिसिप्ट एंट्री, कुछ करनी पड़ेगी। जैसे बात है, अगर हम अगर बैलेंस अगर जाके देखेंगे कि अभी अभी जस्ट हमने लेजर्स बनाए हैं हमने अपने बैंक के, कहीं कोई रिफ्लेक्शन कुछ देख नहीं रहा, तो चलिए कुछ पहले एंट्रीज कर लेते हैं। जस्ट लाइक पेमेंट, क्या पेमेंट हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा 5000 ट्रांसफर कर लेते हैं एबीएन आमरो से एचडीएफसी बैंक में, कुछ बैंक में कुछ पैसे पहले आ जाएं तो हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपल से एंट्री करते हैं FB50 में, ओके। जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट में हमने एंट्री कर दी आज की डेट में, ओके। नाउ व्हाट इज डेबिट? सो देखिए, एबीएन आमरो का बैंक अकाउंट दे रखा है 1126 00, फिलहाल एचडीएफसी में पैसा आ रहा है, HDFC इनकमिंग में पैसा रिसीव करेंगे। सॉरी, दिस वन इज 36 इनकमिंग का अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे अगर सर्च करना चाहते हैं तो अगेन F4 प्रेस कर लीजिए, एक कीवर्ड में मैंने दे रखा है HDFC इनकमिंग अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी डेबिट। हाउ मच अमाउंट? इट्स 5000, ओके। सो 5000 इंटर क्रेडिट फ्रॉम 1126 00, दैट इज माय एबी नामरो बैंक, क्रेडिट इज फ्रॉम 5000, ओके। सो ग्रीन सिग्नल, जस्ट सेव इट, ओके। सो कंप्लीटेड। नाउ अब हमें क्या करना है, कुछ पेमेंट्स करने हैं। ट्रांसफर 800 फ्रॉम एचडीएफसी टू पेटी कैश, तो कुछ पैसे चला भेज देते हैं पेटी कैश में सेम डेट में, ओके। सो माय पेटी कैश अकाउंट इज 1 लाख, सो 1 लाख इज डेबिट, पेटी कैश डेबिट हो रहा है फ्रॉम 800 रुपीज एंड क्रेडिट फ्रॉम आउटगोइंग बैंक अकाउंट। नाउ व्हाट इज योर आउटगोइंग बैंक अकाउंट नंबर? दैट वाज 36 36 121 121, दिस इज योर आउटगोइंग 800। तो अभी आपने देखा होगा, अच्छा एक और चीज, एंट्री को सिमुलेट भी कर सकते हैं, सिमुलेट करके चेक भी कर सकते हैं, ओके। एंट्री ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, 40-50 पोस्टिंग की है, सो सेव इट। तो एंट्री तो मैंने कर दी, लेकिन पैसा क्या आउटगोइंग से आया इनकमिंग में, मेन बैंक में कहीं कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि मेन बैंक तो हम तब रिफ्लेक्ट करेंगे जब हम अपना स्टेटमेंट चेक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं बैलेंस चेक करते हैं FBL3N से, ओके। सो मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ लेजर 36120 से 36122, तीनों लेजर्स का बैलेंस चेक करेंगे। आप देख रहे हो आउटगोइंग से 800 जा चुका है, इनकमिंग में 5000 आ चुका है, मेन अकाउंट का बैलेंस यहाँ नहीं शो कर रहा है क्योंकि मेन अकाउंट में कुछ नहीं है। अगर कायदे से मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए, 4200 रुपीज बैलेंस होना चाहिए। अब 4200 रुपीज अगर बैलेंस अगर नहीं है, अगर 4200 बैलेंस अगर है, अगर मैं स्टेटमेंट में शो कर रहा है, तो हम उसको यहाँ से जस्ट क्या करेंगे, हम रिकनसाइल कर देंगे, ओके। सो इसके लिए हम कैसे रिकनसाइल करते हैं, मेरे अकाउंट में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, इसके लिए हम लोग को आगे का प्रोसेस करना होगा। नाउ चेक द बैलेंस, ये तो बैलेंस तो हमने चेक ही कर लिया। नाउ फॉर बैंक रिकनसाइलेशन हमें FF67 की दबाना होता है, और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपना बैंक रिकनसाइल करेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। ये पार्ट वन था। सो अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आओ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाएगा। थैंक यू।